नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो, लाइक करें, शेयर करें। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात कुजान खिली न खिली। मल्यागिर की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्रत चोट झिली न झिली। भजले अरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। मित्रों, व्यक्ति का जीवन क्षण भंगुर मात्र है। हम जब प्रातः सुबह सोकर उठते हैं तो हम प्रातः सूर्य उदय को देख पाए या नहीं देख पाए, प्रभु की सृष्टि को देख पाए कि नहीं देख पाए, मल्यागिर पर्वत से जो सुगंध समीर बहती है वो हमें मिली या नहीं मिली, यम 24 घंटे घूम रहा है, उसके वज्र का प्रहार हम सहन कर पाए या नहीं कर पाए। इसलिए ईश्वर का नाम हमें लेते रहना चाहिए, ईश्वर का भजन करना चाहिए। यह मनुष्य शरीर हमें क्यों मिला है हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। मैंने सुना है कि परमात्मा ने जब ईश्वर को इस सृष्टि पर भेजा और उससे बोला कि भाई, मैंने इस सृष्टि को बड़े प्रयत्नों के साथ बनाया है और इसमें तुझे एक राजकुमार के रूप में मैं भेज रहा हूँ, तुझसे बड़ी उम्मीदें हैं, मैं चाहता हूँ कि तू मेरी इस सृष्टि को और अच्छी सुगंधित बनाए, इसमें रहने वाले लोगों का जीवन धन्य हो सके और तू मेरे विचारों को सभी के पास में पहुँचाना। तो व्यक्ति ने बोला कि आप मुझे बीच बीच में याद दिलाते रहना, हो सकता है कि मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ की चीज़ों को देख करके मैं भूल जाऊँ, मेरे अंदर लोभ मोह ये सब चीज़ें आ जाएँ और मैं आपको याद न कर पाऊँ, तो आप बीच बीच में मुझे याद दिलाते रहना। ईश्वर ने बोला ठीक है, मैं तुझे 5 बार याद दिलाऊँगा। मनुष्य को ईश्वर ने पृथ्वी लोक में भेजा और जब उसका अंतिम समय आया और जब उसकी मृत्यु हुई तो भगवान के पास गया और भगवान से झगड़ा करने लगा कि भाई, मैंने आपको बोला था कि आप मुझे याद दिलाना, लेकिन आपने तो याद दिलाई नहीं। मैं इस मृत्यु लोक में आया और आपने जो वैभव वहाँ पर बनाया हुआ था उसको देख करके मैं सब कुछ भूल गया। मैं काम वासना में पड़ गया, क्रोध में पड़ गया, ईर्ष्या में पड़ गया और जमीन बनाने में, धन दौलत कमाने में, पद प्रतिष्ठा कमाने में इतना खो गया कि मुझे याद ही नहीं रहा। लेकिन चूंकि आपने मुझे आश्वासन दिया था कि मैं आपको याद दिलाते रहूँगा, पर आपने याद तो दिलाई नहीं, तो ईश्वर ने बोला कि जब तेरे अंदर यौवन आया, तेरे अंदर जब पहली बार वासना जागृत हुई, मैंने तुझे याद दिलाया। दूसरी बार जब तेरे दाढ़ी मूछ आना प्रारंभ हुआ, मैंने तुझे याद दिलाया। तीसरी बार जब तेरे दांत टूटने लगे, मैंने तुझे याद दिलाया। चौथी बार जब तेरी आंखों में देखना बंद हो गया, तेरी कानों में सुनाई कम देने लगा, मैंने तुझे याद दिलाया। और पांचवीं और अंतिम बार जब तेरी
कमर झुक गई, तू चल फिर भी नहीं सक रहा था, तब मैंने तुझे याद दिलाया, लेकिन तुझे याद ही नहीं रहा। मित्रों, शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि 84 लाख योनियों के पश्चात में हमें यह मनुष्य का शरीर मिलता है, लेकिन हम इस मनुष्य के शरीर को ऐसे ही गंवा देते हैं। तो हमें समझना होगा, उस मृत्यु के निकट हम पहुँचे उसके पहले मृत्यु से हमें रूबरू होना पड़ेगा, और जिस दिन हम मृत्यु के उस क्षण को समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से फिर हमारा जीना धन हो जाएगा। इसलिए गायत्री मंत्र में 9 चीज़ें बताई गई हैं कि गायत्री मंत्र देता क्या है आपको। तो गायत्री मंत्र में पहला बताया हुआ है कि आयु, व्यक्ति को आयु देती है। आयु का मतलब होता है कि व्यक्ति अपनी मृत्यु पर किस प्रकार से विजय प्राप्त कर सके। आपने लंबा जीवन जी लिया, लेकिन आपने किया क्या, उस जीवन को आपने जिया कैसे। यदि आप सिर्फ पेट और प्रजनन में लगे रहे, जानवरों की भांति यदि आप जीते रहे, सिर्फ आप पद और प्रतिष्ठा, धन और दौलत के पीछे भागते रहे, लेकिन ईश्वर का आपने कभी कोई कार्य किया नहीं, कोई ऐसे कार्य नहीं किए जिससे कि लोग आपको जान सकें, तो फिर आपका जीना निरर्थक है। तो गायत्री मंत्र सबसे पहले आपको आयु देता है, यानी मृत्यु से आपका जो है परिचय कराता है और मृत्यु पर विजय प्राप्त कराता है। इसी संदर्भ में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, जब व्यक्ति पैदा होता है उसी समय उसकी मृत्यु निर्धारित हो जाती है। जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु निश्चित है, लेकिन हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हमारी मृत्यु नहीं होगी, पड़ोसी की होती है, हम तो अजर अमर हैं। इसलिए व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार के गलत कार्य करते हुए चला जाता है। वो भूल जाता है कि ईश्वर ने हमें इस सृष्टि पर क्यों भेजा है। वह सिर्फ काम वासनाओं के पीछे भागता है, कोई पद के पीछे भाग रहा है, कोई प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहा है, कोई बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनना चाहता है, कोई नेता बनना चाहता है, कोई अभिनेता बनना चाहता है, कोई बहुत सारी धन दौलत इकट्ठी कर लेना चाहता है, कोई चाहता है कि पूरी सारे संसार की जो जमीन है वो मेरी हो जाए, कोई लड़ाई झगड़े में लगा हुआ है। लेकिन यह शरीर मनुष्य का हमें किस लिए मिला है, इस सब चीज़ को हम भूल जाते हैं। और जिस प्रकार से कि हम रेत को अपनी मुट्ठी में बांधते हैं, वो धीरे धीरे निकलती हुई चली जाती है। मृत्यु से हमारा परिचय इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि यह घटना बड़े धीरे धीरे घटती है, तो हमें समझ में आता है कि हम तो अजर अमर हैं। दूसरे की मृत्यु से भी हम नहीं सीख पाते, लेकिन किसी दिन यदि आपको ये पता चल जाए कि सांझ आपकी मृत्यु होने वाली है, तब फिर आप कोई गलत कार्य कर सकेंगे। आपके अंदर वासना जागृत होगी, आपके अंदर क्रोध आएगा, आपके अंदर धन एकत्रित करने की इच्छा होगी क्या? कदापि नहीं हो सकती। तो जब हम ईश्वर की आराधना करते, जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो वह हमें
वह शक्ति प्रदान करती है, वह हमारे अंदर प्रज्ञा देती है, वह हमारे अंदर ज्ञान देती है कि हम अपने जीवन को पहचानें कि इस मृत्यु लोक में ईश्वर ने हमें क्यों भेजा है, यह क्षण भंगुर का जीवन जो हमें मिला हुआ है वो किस लिए मिला है। और फिर जब व्यक्ति यदि अच्छे कार्य करना प्रारंभ कर देता है तो वो द्विजत्व को प्राप्त हो जाता है, वो ब्राह्मण बन जाता है। और जैसे व्यक्ति के अंदर अच्छे विचार आते हैं और वो अपने जीवन की दिशा धारा को बदल देता है, वो अपने अंदर बैठे परमात्मा को पहचान जाता है, तब फिर वो व्यक्ति कभी ऐसे कार्य नहीं कर पाता जिससे कि उसको अंतिम समय में दुख हो। लेकिन हम इस आपाधापी में ऐसे पड़े रहते हैं कि जब हमारा अंतिम समय आता है तो अंतिम समय में अधिकांश व्यक्ति जो है वो रुग्ण अवस्था में रहते हैं। अंतिम समय में वो बड़े भयभीत रहते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने मृत्यु को भी एक उत्सव बना लिया वह गायत्री का सच्चा साधक होता है। जिसने मृत्यु को पहचान लिया वो हंसते हंसते मृत्यु को वरण कर लेता है। फिर वो व्यक्ति अपने जीवन में ना उसके अंदर कोई वासना रहती है, ना क्रोध रहता है, ना ईर्ष्या रहती है, ना लोभ रहता है। व्यक्ति सब कुछ करते हुए भी उनसे मुक्त होता है। ऐसा नहीं कि जो साधक होता है वो कहीं जंगल में जा कर के चला जाता है। जंगल में जाकर भी आपके अंदर वासनाएं रहती हैं। वासना रहित जीवन आप गृहस्थ में रहते हुए भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने अंदर की वासनाओं को समाप्त करना, और जिस दिन हमें ये बोध हो जाए उस दिन व्यक्ति मृत्यु से भयभीत नहीं होता है, उस दिन वो हंसते हंसते मृत्यु का वरण कर लेता है। जो व्यक्ति मृत्यु के भय से हमेशा मुक्त होता है उस व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार की कोई भी तृष्णा नहीं रह जाती है। राजा परीक्षित को 6 दिन व्यतीत हो गए भागवत सुनाते सुनाते सुखदेव जी को, लेकिन उनके अंदर से मृत्यु का भय खत्म नहीं हो रहा था। वो बड़े भयभीत थे कि कल जो है नाग आएगा और हमें डस लेगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। 6 दिन की भागवत सुनने के पश्चात भी उनके अंदर से भय समाप्त नहीं हो रहा था। तब सुखदेव ने उन्हें एक प्रसंग सुनाया। उन्होंने बोला कि हे राजन, एक बार एक राजा शिकार करने के लिए जंगल में निकला। शिकार करते करते बहुत दूर निकल गया वो। शाम हो गई, बारिश होने लगी और हिंसक पशुओं की आवाज़ आने लगी। राजा भयभीत हुआ कि अब मैं क्या करूं? बड़ा घना जंगल है, लौटने की कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तब दूर उसने देखा कि कहीं दीपक की रोशनी दिखाई दे रही है। वह खोजते खोजते वहां पर जाकर के पहुंचा। वहां देखा कि एक छोटी सी कोठरी थी जिसमें थोड़ी सी जगह थी चलने फिरने की, एक ही व्यक्ति आराम से सो सकता था। एक बहेलिए की झोपड़ी थी। वो अंदर पहुंचा और उसने उस बहेलिए को बोला कि मैं रात्रि यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ। लेकिन उसने देखा कि वहाँ पर एक मांस का लोथड़ा लटका हुआ है, नीचे आग जल रही है और वहीं सर्वत्र जो है उसने मलमूत्र त्याग किया हुआ था। बहुत दुर्गंध आ रही थी लेकिन मजबूरी थी, मरने से अच्छा है कि रात यहीं पर विश्राम किया जाए। राजा ने उससे निवेदन किया। उस बहेलिए ने बोला कि भाई आप जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर शिकार करने के लिए आते हैं राजा महाराजा, और उसके पश्चात में यहाँ ठहरने का आग्रह करते हैं, लेकिन सुबह फिर वो यहाँ से जाते नहीं हैं और अनावश्यक रूप से मुझसे झगड़ा करने लगते हैं, और अब मैं वृद्ध भी हो गया हूँ, मुझ में उतनी ताकत नहीं है कि मैं तुमसे झगड़ा कर सकूं। तो राजा ने बोला कि तू समझता नहीं मैं कौन हूं, मैं फला फला देश का राजा हूं,
मैं तेरी इस झोपड़ी में रह के करूँगा क्या? यहाँ पर रखा ही क्या सिवाय दुर्गंध के? मलमूत्र पड़ा हुआ है, मांस का लोथड़ा लटका हुआ है, यहाँ पर रह करके मैं करूँगा क्या? उस बहेलिए ने बोला कि इसी प्रकार की बातें सभी लोग करते हैं, लेकिन जब जाने का समय आता है तो फिर वो जो है मुझे भय दिखाने लगते हैं, युद्ध करने के लिए आतुर हो जाते हैं, तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाता हूँ। इसलिए क्षमा करें, मैं यहाँ आपको ठहरने नहीं दूँगा। राजा को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि यह बहेलिया किस प्रकार की बातें कर रहा है, कौन यहाँ पर रुकना चाहेगा, मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है, मैं भला उसको छोड़ करके यहाँ क्यों रुकूँगा। राजा के बड़े अन्य विनय करने के पश्चात उस बहेलिए ने बोला, ठीक है रुक जाना, लेकिन मेरी बात को ध्यान रखना, आप प्रातः चुपचाप यहाँ से चले जाना, किसी प्रकार का कोई भी झगड़ा मत करना। राजा ने उसे आश्वासन दिया और एक कोने में लेट गया। लेकिन सुबह होते होते राजा को वहाँ की जो गंध थी इतनी ज़्यादा भाग गई कि प्रातः वो जाने से इनकार करने लगा और बोला, मैं यहीं रहूँगा। उस बहेलिए ने बोला कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हर व्यक्ति आता है और मुझसे फिर झगड़ा करता है और यहाँ रहने की जिद करने लगता है, और तुमने इतना ज़्यादा मुझे आश्वासन दिया था, मैंने आपके लिए ठहरने दिया, लेकिन आप फिर वही व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, फिर वही झगड़े वाली बात कर रहे हैं। राजा ने बोला, नहीं मैं तो यहीं रहूँगा। तब सुखदेव ने राजा परीक्षित से पूछा कि उस राजा का यह व्यवहार ठीक था, उसे ऐसा करना चाहिए था क्या? तो परीक्षित ने सुखदेव को बोला कि महाराज, वो कौन सा राजा था, उसका नाम तो बताएं, कैसा बेवकूफ़ है, इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ करके उस कोठरी में वो क्या कर रहा है जहाँ दुर्गंध ही दुर्गंध है। तो सुखदेव महाराज ने बोला कि वो राजा और कोई नहीं, वो तुम हो। इस हाड़ मास के शरीर में जहाँ मलमूत्र भरा हुआ है, इतने दिनों तक तुमने इसको जिया, लेकिन जब अंतिम समय आ रहा है तुम इसकी दुर्गंध से इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए हो कि तुम उसने बड़े साम्राज्य को जो तुम्हें प्राप्त होने वाला है तुम उससे विमुख हो रहे हो। परीक्षित को उनकी बात समझ में आई और फिर उन्होंने हंसते हंसते मृत्यु का वर्णन किया। मित्रों, यह सब हमारे और आपकी कहानी है, हम भी इसी प्रकार से करते हैं, इस मलमूत्र के शरीर को ही अपना सब कुछ समझ बैठते हैं और इसकी दुर्गंध से वासनाओं की, क्रोध की, ईर्ष्या की, लोभ की, मोह की, इन जंजीरों में हम इतने ज़्यादा बंध जाते हैं कि यदि हम अच्छे कर्म करें, ईश्वर का भजन करें, माँ गायत्री की शरण में रहें और माँ गायत्री का यदि हम जाप करें, तो जो वो हमें देगी और हमें जब जीवन जीने की कला सिखाएगी, जो मृत्यु के भय से हमें मुक्त करेगी, और मरने के पश्चात में जब हम उस परम धाम को जाएंगे जो इससे कई गुना ज़्यादा सुंदर है, हम उस चीज़ को भूल जाते हैं और इसी में इतने ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं कि हमें मिलने वाले साम्राज्य की चिंता भी नहीं होती है। तो मित्रों, गायत्री मंत्र सबसे पहला आपको देता आयु। आयु लंबी आयु से बात नहीं होती है, जिस व्यक्ति ने जीवन जीना सीख लिया, जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि इस योनि में जब मैं आया हूँ, मनुष्य की योनि में, तो ईश्वर ने मुझे क्यों भेजा है, उस परमात्मा के संदेश को जो व्यक्ति समझ जाता है वो अपने जीवन को धन्य बना लेता है। जिन्होंने भी इस परमात्मा के संदेश को समझा वो बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, जीजस हो गए, रामकृष्ण परमहंस हो गए, परम पूज्य गुरुदेव हो गए। तो हम इस जीवन को समझें, और जिस दिन हमने इस जीवन को समझना प्रारंभ कर दिया तो समझो कि आपने गायत्री मंत्र के अर्थ को समझ लिया, तो फिर पहली जो घटना है वो आपके अंदर घटित होना प्रारंभ हो जाएगी। और जिस दिन व्यक्ति मृत्यु से मुक्त हो गया, मृत्यु के भय से मुक्त हो गया, उस दिन वो जो है अजर अमर हो जाता है,
आज भगवान राम, भगवान कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जीजस, इनको कितने वर्ष हो गए लेकिन आज भी हम उनको याद करते हैं, ये अजर अमर हो गए। तो यदि आपको अजर अमर होना है, आपको लंबी आयु करना है, तो गायत्री की शरण में बैठें। लेकिन उसके सूत्र को आप समझें, और जिस दिन आप उस सूत्र को समझ जाएंगे, आप मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। और जिस दिन आप मृत्यु के भय से मुक्त हो गए, उस दिन गायत्री की पहली घटना आपके अंदर, गायत्री मंत्र की पहली घटना आपके अंदर घटना प्रारंभ हो जाएगी। उनका जो आशीर्वाद पहला है कि आयु व्यक्ति की आयु को लंबी करता है। कैसे लंबी करता है, ये आपके अंदर घटित होना प्रारंभ हो जाएगा। तो मित्रों, इस सूत्र को समझें और गायत्री की साधना करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। पूज्य गुरुदेव एवं माँ गायत्री का सूक्ष्म संरक्षण आप सभी लोगों को मिलता रहे, ऐसी कामना करते हैं। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। आज की बात समाप्त, हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।